नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष गोविंद पराशर ने विवादित बयान दिया है। पराशर ने कहा कि देश भर में अगर किसी ने तिरंगा यात्रा को रोकने की कोशिश की तो परिणाम घातक होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मुहर्रम निकलता है तो क्या परमिशन लेते हैं? अगर कहीं भी तिरंगा यात्रा को रोका तो राष्ट्रीय बजरंग दल मुहर्रम भी नहीं निकलने देंगे। दिल्ली में 14 अगस्त सुबह 6 बजे से मेट्रो स्टेशन की सभी पार्किंग 32 घंटे के लिए बंद रहेंगी। आपको बता दें कि डीएमआरसी ने स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया है कि पार्किंग ठेकेदारों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत बंद के दौरान पार्किंग की साफ सफाई के आदेश भी दिए गए हैं। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह लोद ने इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी गौ रक्षा को लेकर कोई सहयोग नहीं दे रही है। उन्होंने अपना इस्तीफा तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के लक्ष्मण को भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि मेरे लिए हिंदू धर्म और गौ रक्षा प्राथमिकता है और राजनीतिक बाद में आती है। बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में गरीबनाथ मंदिर में भगदड़ मची। सावन के तीसरे सोमवार होने की वजह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। सुबह सुबह गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कुल 25 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल है। इनका इलाज मुखर्जी सेमिनरी स्थित मिनी अस्पताल में चल रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ स्टेशनों के नाम ही बदले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी कानून व्यवस्था सही करने आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। यूपी के कानपुर में सपा विधायकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि सपा के विधायक ने योगी सरकार को गैर जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की प्रशासन व्यवस्था खोखली है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा प्रदेश बेपटरी हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते कई नेशनल हाईवे बंद है। आलम यह है कि सूबे के 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर और ऊना में बारिश के चलते स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आगरा के शमशाबाद में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुए कोलारा खुर्द नहर के पास में बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश लूट के प्रयास से इलाके में घूम रहे थे। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया है। नॉर्दर्न रेलवे मुरादाबाद के डीआरएम एके सिंघल ने हरदोई रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने टीआरडी ऑफिस, स्टोर रूम, पावर वैगन शेड, स्विच रूम, आरपीएफ थाना, वेटिंग रूम परिसर के अलावा प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक और कर्मचारियों के आवासों का निरीक्षण किया। वहीं स्विच रूम में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर SSE इलेक्ट्रिकल को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल सही करने के निर्देश दिए हैं। घटना बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर के खंडवा मार्ग की है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि ये 3 युवक एक ही बाइक पर सवार थे। वहीं तेज रफ्तार के चलते बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी। मौके पर ही तीनों बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिलायंस जियो गीगा फाइबर के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस प्लान की शुरुआत 500 रुपये से शुरू हो सकती है। इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट के साथ इंटरनेट बेस्ट टीवी की भी सुविधा दी जाएगी। दिवाली से पहले कंपनी इस प्लान को लॉन्च कर सकती है। वहीं इस प्लान में 700 से 1000 रुपये तक में 100 Mbps की स्पीड मिल सकती है और 100 GB तक का डेटा लिमिट होगी। जियो होम ब्रांड की कीमतें मौजूदा 4G मोबाइल डेटा रेट से 25 से 30% सस्ती होगी।
स्वतंत्रता दिवस से पहले 30 भारतीयों को पाकिस्तान ने किया रिहा। बयान में बताया गया कि उन 30 कैदियों में 27 मछुआरे शामिल हैं। देश की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 418 मछुआरे समेत 470 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में बंद है। समुद्री सीमांकन स्पष्ट न होने के कारण पाकिस्तान और भारत के मछुआरों को आए दिन गिरफ्तार करते रहते हैं। एयर इंडिया के पायलटों के एसोसिएशन का कहना है कि लगभग 23% प्लेन स्पेयर्स पार्ट न होने के कारण जमीन पर खड़े हैं, जिनमें करीब 25,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया के सीएमडी को चिट्ठी लिखी और मौजूदा हालातों के बारे में अवगत कराया और सीएमडी के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। टीवी धारावाहिक नजर में डायन का किरदार निभा रही भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मोनालिसा ने कहा कि वो लंबे समय से टीवी पर नकारात्मक किरदार निभाने का मौका मिलने का इंतजार कर रही थी। ये पूछे जाने पर कि वह डायन का किरदार निभाने के लिए वह क्यों राजी हुई, इस पर उन्होंने कहा कि सीरियल का विषय मुझे बहुत रोमांचक लगा, जो अलौकिक प्राणियों के बारे में बात करता है और ये दर्शाता है कि हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले कभी इस तरह के शो में काम नहीं किया है और एक अभिनेत्री के रूप में मैं ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ने में बहुत खुश हूँ। बिग बॉस 10 का हिस्सा रह चुकी मोनालिसा का वास्तविक नाम अंतरा विश्वास है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।